नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आगे देख रहे होंगे एक SMG 50 टन की क्रेन है। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इसका आउटरिगर और PTO का जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है। वीडियो स्टार्ट करते हैं और अभी चलते हैं हम ऑपरेटर केबिन में। तो दोस्तों देखिए, ऑपरेटर अंदर बैठा हुआ है और यहाँ अंदर चल कर मैं इससे कुछ बात करूँगा और आप भी सुनिएगा कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये आई एल बोल रहे हैं और ये कुछ अभी सिस्टम बताने वाले हैं। तो भाई, मेरा नाम आप देख रहे हैं ट्रेन की वैल्यू पर, ये 50 मिनट की ट्रेन है। यहाँ पे भाई आज आपको इसका जो सिस्टम है उसके बारे में कुछ बात बताने वाला हूँ। यहाँ पे आगे आ जाइए कि इसका वीडियो सबसे पहले इसका फंक्शन चालू करने के लिए इसका जो है वीडियो बनाना पड़ता है। तो ये गाड़ी में वीडियो कितने को कितने एयर पर लगता है और वीडियो कैसे लगता है, कितने नंबर एयर पर लगता है, ये सारी बात मैं आपको बताऊँगा और आप वीडियो कैसे किया जाए आपको। पहले यहाँ पे एयर आपको दिखाइए, यहाँ पे एयर जो होना चाहिए 8 पे होना चाहिए। उसके बाद जो ये रहा आपका, इसको बोलते हैं क्या, तो गियर, और ये रहा ये आपका बोलते हैं हैंड ब्रेक है, और ये आपका PTO का सिस्टम। ये पीला वाला जो आपको दिख रहा है ये PTO का स्विच है। यहाँ से मैं 8 नंबर पर गियर हो गया, मेरा एयर फुल हो गया है और मैं अभी आप लोगों को इसका PTO लगाकर दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे क्लच को प्रेस करेंगे। ये नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्लच को जैसे प्रेस करेंगे और यहाँ से 4 नंबर गियर को लगाएंगे। 4 नंबर गियर पे इसका PTO लगता है। इसको मान लीजिए जो है इधर कीजिए आप, इसको PTO स्विच को इधर ऊपर खींच देंगे। ये आपका जो 4 नंबर गियर लग गया PTO स्विच ऑन हो गया। ये आपका जो है क्या बोलते हैं, ये PTO सिस्टम आपका लग गया है, ठीक है। तो इन्होंने PTO का सिस्टम बता दिया है और ये अभी निकल रहे हैं। जो आउटरिगर का सिस्टम अभी आपको बताएंगे, वीडियो में बने रहिए। ये अभी पीछे जा रहे हैं, पीछे की तरफ आउटरिगर की तरफ जाएंगे और वहाँ से आपको बताएंगे कि ये आउटरिगर का सिस्टम कैसे काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये आपको जो है क्रेन का लीवर दिखा रहे हैं। इनकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, इसलिए मैं आपको वॉइस ओवर करके बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 6 लीवर इन्होंने बताया। इनके बाद ये बताते हैं कि ये चारों लीवर जो है इसको डाउन करेंगे और एक लीवर जो है उसको ऑफ करेंगे, तो ये सारी क्रेन जो है आपकी चारों आउटरिगर है जो डाउन होना शुरू हो जाएगी, यानी कि जो इसका जो सिलेंडर है वो अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं वहाँ पे अंदर की तरफ जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे जूम करके अभी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए अभी ये सिस्टम यहाँ तक सभी आउटरिगर यहीं चारों सिस्टम ये अंदर आ चुका है और यहाँ पर ये अंदर ले लिया। और फिर आपको यहाँ पर बताते हैं कि ये चारों लीवर को इन्होंने न्यूटन कर दिया है। और फिर देखिए यहाँ से 2 लीवर दबा दिए और एक मास्टर लीवर को ऊपर किए हैं। इससे क्या होता है कि इधर का जो जिस साइड ये खड़े हैं उधर का दोनों सिलेंडर जो है अंदर की तरफ जाने लगता है, यानी कि उस साइड का हमको अभी दिखाई नहीं दे रहा है, इधर का दिखाई दे रहा है। तो 2 इधर से कर लेंगे, 2 इधर से कर लेंगे। और देखिए दोस्तों कि जिस प्रकार से सिस्टम इधर है इसी प्रकार से अपोजिट साइड भी वही सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पर आउटरिगर अंदर पूरी तरह से ये जो सिलेंडर है, अब यहाँ पर देखिए जो इसका सिलेंडर जो है ये ऑफ हो गया। इसको अंदर लेने के लिए हमको क्या करना है, ये जो है इसको हम लोग अप करेंगे और उसके बाद इसको अप करेंगे। तो उधर दिखाइएगा आउटर की तरफ, ये अंदर आना शुरू हो गया है, ठीक है। दोस्तों ये बता रहे हैं जिस प्रकार लीवर को हम लोग ऊपर किए और मास्टर लीवर को भी ऊपर किए तो आउटरिगर मेरा अंदर आना शुरू हो गया, उसी प्रकार हम उसी लीवर को नीचे की तरफ डाउन करेंगे और मास्टर लीवर को भी नीचे की तरफ दबाएंगे तो वो जो है आउटरिगर आपका बाहर आना शुरू हो जाएगा। और ये बता रहे हैं कि ये जैसा सिस्टम इस तरफ है उसी अपोजिट साइड में भी वैसा ही सिस्टम होगा, सेम पोजिशन में, ठीक है। तो देखिए अभी आगे ये बताएंगे, पहले वीडियो लंबा होगा इसलिए मैं ये हो गया और इसको अभी हम लोग ऊपर प्रेस करेंगे, जैसे ही जैसे बता रहे हैं करेंगे फिर ये आपका ये अंदर आने लगा। हाँ, ये अंदर आ रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आप आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैंने आउटरिगर और जो है PTO के सिस्टम के बारे में बता दिया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये PTO का पार्ट 1 है। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये जो